फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का एक टॉपिक है, क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रॉन का अपोहा एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। ये मेरा लेक्चर 3rd है इस चैप्टर का। जिसने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर देख ले दोनों, उसी के बाद ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो क्या है इलेक्ट्रॉनों का अपोहा वेग? अपोहा वेग या अनुगमन वेग बात एक है। तो अपोहा वेग क्या होता है देखते हैं, परिभाषा क्या है। अब हमारे पास अनुगमन वेग की परिभाषा क्या बनी? जब किसी तार को क्या है, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, मान लो ये कोई तार है, ये कोई चालक, चालक या तार, ये हमारे पास क्या है एक चालक है। इसमें क्या लिखा, जब किसी तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, ये कोई तार, अब इस तार को हम बैटरी से जोड़ सकते हैं, तार को बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस जोड़ा जाता है, तो बैटरी का विभव क्या है, बैटरी का विभव इलेक्ट्रॉन को एक तीव्र गति नहीं दे पाता है। जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एक तीव्र गति उन इलेक्ट्रॉनों को नहीं दे पाता है। ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, इनको तीव्र गति नहीं दे पाता है, तब निम्न विभव से उच्च विभव के सिरे, निम्न विभव से उच्च विभव के सिरे की ओर एक नियत वेग दे पाता। सिर्फ क्या, निम्न सिरे से उच्च विभव के सिरे की ओर एक नियत वेग दे पाता। इस नियत वेग को ही हम अपोहा वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। या एक दूसरी बताता हूँ मैं क्या, ये कोई हमारे पास चालक है, इसमें कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, नहीं है इसमें विद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा, हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे इसमें स्टैंड मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस पर विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये एक रैंडम मोशन कर रहे होंगे, मतलब यादृच्छिक गति कर रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है इसमें ये यादृच्छिक गति कर रहे होंगे, इनकी कोई भी एक दिशा नहीं होगी, जो जिस दिशा में चाहे उस दिशा में ये इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा औसत वेग, वो क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जब तक इलेक्ट्रॉनों का कोई भी चार्ज नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तब उन इलेक्ट्रॉनों को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे हैं, इनकी कोई भी एक पार्टिकुलर दिशा नहीं है, जिधर को चाहे उधर भी जा सकते हैं, ठीक। इसका जो औसत वेग होगा वो मान लो इसका जो वेग है वो पहले इलेक्ट्रॉन का U1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉनों का U2 है, तीसरे इलेक्ट्रॉन का U3 है, प्लस डॉट डॉट डॉट। हम मान लेते हैं हम इस चालक तार में क्या n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉन तक लिखेंगे बटे में n, क्या होता है औसत वेग, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनों का वेग है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या से भाग कर देंगे वो आ जाएगा हमारे पास औसत वेग। अब जैसे ही हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, इस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न के वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर चले जाएंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इनकी एक निश्चित दिशा हो जाएगी बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से, ये हमारे क्या है बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर चलने लगेंगे। जब चलने लगेंगे तो इन पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगेगा, जब बल लगेगा तो इनके जो वेग होगा वेग में परिवर्तन होगा, तो वेग में परिवर्तन होगा उस वेग परिवर्तन के औसत वेग को ही हम अनुगमन वेग कहते हैं। मान लेते हैं जैसे जो औसत वेग होगा इसका औसत वेग क्या होगा, मान लेते हैं इसके वेग में जो परिवर्तन हुआ
U1 से V1 हो गया, V1 हो गया पहले इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे का V2 हो गया, तीसरे का V3 हो गया, डॉट इसी तरीके से VN मीटिंग में बराबर जो आएगा हमारा तो औसत वेग होगा ये हमारा, ये कहलाएगा अनुगमन वेग। अनुगमन वेग मतलब इसको प्रदर्शित करते VD से जो होगा हमारे पास अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अब क्या है हम देखते हैं गति की प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण क्या है? गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण होता है हमारे पास वी बराबर यू प्लस ए टी। अब देखते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र दिया तो उस पर एक बल काम कर रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हमारे बैटरी धनात्मक टर्मिनल की ओर चलने लगे, तो उस चलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का परिवर्तन वेग होगा वो होगा हमारे पास वी। पहले इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा वो क्या होगा? V1। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग V1 बराबर। अब उसमें जो परिवर्तन हुआ है वेग में वो उतना कितना, और सॉरी जो पहला वेग था हमारे पास U1 है तो U1 हो जाएगा प्लस A। उसमें क्या परिवर्तन हुआ? त्वरण में। त्वरण क्या है हमारे पास? A है। क्या? A है। अब प्रारंभिक वेग से जो उसने वेग उत्पन्न करा है, जो वेग में परिवर्तन हुआ है वो क्या हो जाएगा? कितने समय में लिया है? मान लेते T1 समय में उसने वेग परिवर्तन किया। इसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग परिवर्तन हो जाएगा V2। प्रारंभिक वेग कितना था उसका? U2 प्लस त्वरण कितना हुआ उसका? A। और समय लगेगा उसमें T2। इसी तरीके से V3 तीसरे इलेक्ट्रॉन का, इसी तरीके से N इलेक्ट्रॉन को हो जाएगा UN प्लस A और TN हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम V1 VN का वेग परिवर्तन, वेग में वेग परिवर्तन। अब U1 U2 UN इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जो हमारा समय लगा है वेग परिवर्तन में वो मान लेंगे वेग परिवर्तन में। वेग परिवर्तन में लगा समय वो क्या होता? E1 T2 TN। अब क्या करेंगे हम जब हमने इस पर एक बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया तो इस पर एक बल काम कर रहा, बल क्या होगा हमारे पास? F बराबर QE होगा। अब हम बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होता है? E। तो क्यू की जगह आ जाएगा हमारे पास क्या? E। वो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन? माइनस। तो आ जाएगा हमारे पास F बराबर माइनस ई। ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो उत्पन्न बल हुआ है इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने एक वायु विद्युत क्षेत्र दिया इलेक्ट्रॉनों पर एक बल काम कर रहा है, बल काम कर रहा तो इलेक्ट्रॉनों के वेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन हुआ किस बल की वजह से हुआ? वो बल होगा F बराबर MA। जो परिवर्तन हुआ वेग परिवर्तन की तरफ क्या कहते हैं? त्वरण। तो यहाँ से त्वरण क्या आ जाएगा? A। तो A बराबर कितना जाएगा? F बटे में M। ठीक, M आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो F का मान है ये F का मान यानी करते एक मान में F का मान समीकरण यहीं से यहाँ पर लगा देंगे तो A बराबर क्या जाएगा हमारे पास? माइनस के E बटे में M। ये हमारे पास समीकरण
दो अरे। अब हमने देखा इसको समीकरण, इसको समीकरण ए मान लेंगे, क्या समीकरण ए। अब हमने देखा V1, V2, V3, VN के मान समीकरण ए में लगा देंगे, क्या समीकरण ए में V1 का मान लगा देंगे, V2 का मान लगा देंगे, V3 का डॉट डॉट, इसी तरीके से VN का मान लगा देंगे। क्या आ जाएगा VN का मान, V1 का मान क्या है आपका U1+AT1 प्लस V2 का मान क्या है आपका U2+AT2 प्लस डॉट डॉट, इसी तरीके से चलेगा कहां तक UN+AT N। ठीक है, हमारे पास ये आ गया यहां तक। अब बटे में क्या N, बटे में N बराबर आ जाएगा आपका VD। ठीक है, VD आ जाएगा, तो ये VD बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, VD बराबर यहाँ से देखेंगे सारे जुड़ रहे हैं, हम U1+U2+U3 UN तक लिख देंगे, क्या UN तक। ठीक, प्लस फिर हम क्या लिखेंगे AT1+AT2 AT N तक, बटे में क्या हमारे पास N। ठीक, अब हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं वेग उत्पन्न कर रहे हैं, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा, तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन था तो वो क्या इधर उधर गति कर रहे थे, मान रहे थे एक इलेक्ट्रॉन एआरडी इस दिशा में चल रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन में होगा, तो वो क्या होगा एक दूसरे के वेग को जीरो कर देगा, इसीलिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग था वो हमारा औसत वेग जीरो के बराबर होता, क्या औसत वेग जीरो के बराबर होता। तो यहां से हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा VD बराबर ये क्या जाएगा U1+U2+UN बटे में N प्लस हमारे पास बचेगा AT1+AT2+AT N बटे में N ये जाएगा। अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास U1+U2+UN तक इसका मान कितना हमारा जीरो, ये कितना हो जाएगा जीरो, VD बराबर ये जीरो हो गया। प्लस यहाँ समय A है, यहाँ से सबसे A कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या हमारे पास T1+T2+T3+TN बटे में N। इसके बाद यहाँ देख लेते हैं TN। अब VD बराबर हमारे पास क्या बचा A का मान समीकरण दो से रखने पर, A का मान समीकरण दो से रखेंगे तो A का मान कितना -EE/M और ये बचेगा हमारे पास T1+T2+TN बटे में N। अब देखेंगे T1+T2+TN बटे में N जो है एक क्रांतिकाल है, क्रांतिकाल को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या टाउ VD बराबर -EE/M टाउ। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे T1+T2+TN बटे में N बराबर टाउ। ठीक है, ये क्या क्रांतिकाल, क्रांतिकाल इसको बोलते हैं क्रांतिकाल। अनुगमन वेग क्या जाएगा हमारे पास VD बराबर माइनस के E क्या हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का आवेश, कैपिटल E क्या विद्युत क्षेत्र, M क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और टाउ क्या क्रांतिकाल। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग एवं प्रतिरोधकता का उद्गम हो गया। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।